DOE मिशन मैथमेटिक्स प्रैक्टिस पेपर 1 बेटा। 40 मार्क्स का आपको ये प्रैक्टिस पेपर दिया गया है और मार्क्स की वेटेज भी यहाँ बताई गई है। फर्स्ट सेक्शन करते हैं, MCQ है जिसमें लकड़ी के 42, 49 एंड 63 तीन समान लंबाई के तख्तों में हमें इन टुकड़ों को काटना है, तो बताइए कम से कम संभव संख्या क्या होगी। तो हमें क्या करना है बेटा, इन तीनों कम से कम जहाँ पूछा जाए ऐसे आप निकाल लेंगे, तीनों नंबर्स का एचसीएफ निकाल लेंगे। प्रोसेस आपको पता है, हम दो दो करके करके निकालेंगे, 7 आ गया। अब इस 7 को तीसरे नंबर के साथ, अगेन इट विल बी 7। कॉस है 7/25 है, अगर इसका मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस आपको पता है तो आपको ये पाइथागोरस ट्रिपलेट पता होना चाहिए, 7, 24, 25। इसका मतलब तीसरी साइड जो परपेंडिकुलर है वो 24 है, तो साइन ए कितना बन गया, 24/25। हमें यहाँ पे टेन ए और कॉट ए चाहिए, वो भी लिख लेते हैं। पी बाय बी यानी कि 24/7, कॉट ए क्या होगा इसका उल्टा, 7/24। अब इन दोनों को प्लस करना है, एलसीएम लेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 24 को 24 से किया, 576 प्लस 49, आंसर इज ए। माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमाओं का योग बताइए, मीडियन और मॉडल की लोअर लिमिट्स का। तो मीडियन तो बेटा हम जब तक नहीं निकाल पाएंगे, हम सीएफ निकालेंगे पहले, एन भी निकालेंगे और एन बटा दो निकालेंगे। एन बटा दो हमारा आ गया 33, क्योंकि एन 66 टोटल है, 66 तो एन बाई टू हो गया 33। अब सीएफ आप निकाल लेंगे, 10, 15 जोड़ा 25, फिर 12 जोड़ा 37, फिर 20 जोड़ा से 57 और 9 जोड़ा तो 66। अब 33 से बड़ा आपका कौन सी क्लास में जा रहा है, यानी कि 37 देखोगे आप तो मीडियन क्लास होगी 10 से 15। मॉडल क्लास जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो वो हमें 20 दिख रहा है, यानी कि ये 15 से 20 है। दोनों की लोअर लिमिट को जोड़ के आंसर इज 25 बी। 0.7 त्रिज्या का एक वृत्ताकार पहिया 176 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा। तो जो व्हील है बेटा, एक चक्कर यानी कि एक उसका सर्कमफ्रेंस ले रहा है, एक पेरीमीटर है ना, जिसे सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। एक चक्कर मतलब 2πr। वैल्यूज रख देंगे, r इज 0.7, सॉल्व करके आपके पास आ गया 4.4 मीटर। एक रेवोल्यूशन में इतनी दूरी तय करेगा, तो टोटल रेवोल्यूशन हमें कैसे पता चलेंगी, कुल दूरी को इस दूरी से भाग करके। अगेन आप डेसिमल हटा के जीरो ऊपर पहुंचा देंगे, आंसर इज 40 चक्कर। 80 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, आप लिख लेंगे यहाँ पे। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, 2πrh प्लस 2πr2, और इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ अनुपात चाहिए 2πrh के साथ। और ऊपर देखेंगे कॉमन क्या निकाल सकते हैं, ऐसे सीधा काटेंगे नहीं, 2πrh से सीधा ये काट दिया, जब तक ही कॉमन ना निकाल लें ऊपर से। 2πr कॉमन, अंदर बचा h प्लस r और नीचे है 2πrh। अब ये 2πr से 2πr अब कॉमन निकलने के बाद हम काट सकते हैं, तो मतलब फाइनली मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए h प्लस r बटा में h की। अगेन आप एस से एच यहाँ नहीं काट सकते जब तक ये सॉल्व ना हो जाए। तो ये हो गया 20 जमा 80 बटा में 20, यानी कि 100/20, आंसर इज 5/1, 5:1 सी आंसर। एक्स का मान बताइए यदि ये तीनों टर्म्स एक समानता श्रेणी के क्रमागत पद हैं। तो क्रमागत पद हैं इसका मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म डी होता है ना, ये इसको लिख देंगे a2 - a1 = a3 - a2। a2 की वैल्यू x प्लस 10 माइनस 2x करेंगे। अब a3 हम लिखेंगे 3x + 2 माइनस, ये करना है तो मुझे दो टर्म्स हैं ब्रैकेट में डालेंगे, यही गलतियां आप कर देते हैं। इसको सॉल्व करा x - 2x - x + 10, ऐसी यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे पहले, -x - 10, अब 3x - x 2x
2 माइनस 10 इज माइनस 8। अब लाइक टर्म आप कलेक्ट करेंगे, माइनस 8 इधर जाके 10 के साथ जमा हो गया, 18 बन गया, और ये माइनस एक्स इधर जाके 2x के साथ प्लस हो जाएगा, यानी कि 3x, एक्स इक्वल टू 18/3 बराबर 6। बिंदु की मूल बिंदु से दूरी बताइए। मूल बिंदु से दूरी इसका मतलब 0-0 पॉइंट है ना, तो उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, हम कर देंगे 5 का वर्ग जमा घटा 5 का वर्ग सीधा, क्योंकि 0 घटाएंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, तो ये बन गया 25 जमा 25, घटा 5 का वर्ग ध्यान रखना है जमा 25 बनेगा, 25 जमा 25 √50। अब मैं इसको लिख लूँगी 2 × 25 यानी कि 5√2 यूनिट। नेक्स्ट असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है बेटा, जिसमें हमें 4 पॉइंट्स दिए होते हैं, सबको आपको कई कई बार बताया जा चुका है। तो पहले हम पढ़ते हैं, अभी कथन क्या दिया गया है, बिंदु घटा 1 6 इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:7 के रेशो में बांटता है। तो हमें चेक करना है कि ये सही बात है या गलत बात है। तो हम कैसे चेक करेंगे, लिख के ही करना पड़ेगा ना बेटे। बीच में हमें दिया हुआ है घटा 1 6 और दोनों कॉर्नर्स पे एक बार ये है और एक बार ये है, रेशो उसने कहा है 2:7 है। तो हम क्या करेंगे, 2:7 रेशो के हिसाब से इस पॉइंट को देखेंगे कि आंसर ये आएगा या नहीं। रेशो फॉर्मूला आप लगाएंगे, 2:7 आपको दिया गया है और ये दोनों पॉइंट्स दिया गया है। तो पॉइंट्स जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, 2 को 6 के साथ गुणा करेंगे x निकालने के लिए, और 6 को घटा 3, 7 को घटा 3 के साथ लिख लेते हैं। 2 × 6 जमा दूसरा रेशो क्या है 7, आप सोचेंगे ये है ही नहीं हमारे पास जैसे कि, ठीक है, तो 7 को किससे करना है, घटा 3 से, और नीचे दोनों रेशो को जोड़ के 9 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे 12 × 21/9, 12 × 21 कितना बन गया, घटा 9/9, ये कट के घटा 1 आ गया, यानी कि पहला पॉइंट तो सही है ना। अब वाई के लिए पॉइंट निकालने के लिए हम वाई के साथ रेशो फॉर्मूला लगाएंगे, 2 × 8, और 7 को करेंगे 10 के साथ, बटे में 9 ही आएगा, ये बन गया 54/9 यानी कि 6। तो दूसरा पॉइंट भी उसने 6 दे ही रखा था, इसका मतलब पहली बात जो उसने बोली है वो सही है। दूसरा रीज़न क्या दे रहा है, वो ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं यदि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा अगर तीनों दूरियां बराबर हैं। तो बेटा बात तो बिल्कुल सही है ये, लेकिन इस बात का इस बात से कोई भी लिंक नहीं है ना, यहाँ रेशो दिया गया और यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हम ऑप्शन कौन सा देखेंगे, बी, कि दोनों चीज़ें सही हैं लेकिन रीज़न अकॉर्डिंगली सही नहीं है। नेक्स्ट पार्ट बी है आपके पास बेटा, जिसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन है। 7 से भाग होने वाले पहले 40 पूर्णांकों का योग बताइए। तो पहला हो गया 7 से शुरू करना है, 14 फिर 21, और 40 नंबर पे कौन से टर्म आएगी, 7 × 40 यानी कि 280। अब ए भी पता है 7 है, डी भी 7 है, एन हमारा 40 है, और एस 40 हमें निकालना है। एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमें पहली टर्म भी दी गई है और लास्ट भी पता है, तो हम ये वाले फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे, n/2 × a + an, n की जगह अब 40 रख देंगे, a 7 और ये 280, सॉल्व करके आप आंसर निकाल लेंगे 5740। नेक्स्ट है बताइए, अगर यह एक समांतर चतुर्भुज के 4 शीर्ष हैं तो x और y की वैल्यू बताइए। अब समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम के क्या खासियत होती है बेटा, उसके मिड पॉइंट डायगोनल का सेम होता है, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब a और c का मध्य बिंदु निकालेंगे, x में x जोड़ा 3 × x/2 कॉमा 1 × y/2, ये हो गया ए सी का। अब बी डी में लगाएंगे 5 × 4/2 कॉमा 1 × 3/2, है ना, एक्स में एक्स जोड़ देते हैं और 2 से भाग। अब इस जब दोनों चीज़ें बराबर हैं, इसका मतलब ये
इसके बराबर है और वाई वाला वाई के बराबर है। इक्वल में रख लेंगे, दो से दो कट गया, एक्स बराबर छः, वाई बराबर चार घटा एक बराबर तीन। एक गाय मैदान में घास चर रही है और जिस रस्सी से बांधा जाता है उसे 16 मीटर से बढ़ाकर 23 मीटर कर दिया जाता है। एक आपको मैदान में दे रखा है, उसमें कहीं एक घास चर रही है, गाय को बांधा जाता है, तो जब वो जितनी उसकी रस्सी है बेटा उसकी, वो चारों तरफ घूम के एक सर्कल बना लेगी, है ना। तो पहला क्षेत्रफल उसका बना पाई आर स्क्वायर, और दूसरी बार क्योंकि रस्सी कम कर दी गई, पहले कम थी फिर ज़्यादा कर गई, तो कितना एरिया उसका फालतू बनेगा, जितना घटा के क्षेत्रफल में आएगा आंसर। तो बड़ी रेडियस को हमने कैपिटल आर दे दिया, छोटे को स्मॉल आर। तो हमें जो चाहिए वो है बड़े एरिया में से छोटा एरिया घटा के आंसर। पाई कॉमन निकल गया, अंतर बचा 23 का स्क्वायर घटा 16 का स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, एक बार ही जमा कर देंगे और एक बार ही घटा, ये बन गया 7 × 39 × π। आंसर इज 858 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन आप अपने आप करके देख लेंगे। देखिए यहाँ पे एक बीच में आपको गाय बांध रखी है, तो गाय की रस्सी चारों तरफ वो घूम जाएगी ना, इसलिए हमने यहाँ सर्कल के एरिया का फॉर्मूला लगाया है। इसके साथ चॉइस में हमें इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, अगेन सेम पैटर्न है बेटा, बिल्कुल ये जो अभी पीछे गाय का एग्जांपल दिया गया है सेम। पहले यहाँ पे 16 मीटर थी उसकी रस्सी और अब उसकी 23 कर दी गई थी। यहाँ पे सेम आपकी बात 40 डिग्री का एंगल आपको बता दिया गया है, और पहले रेडियस 7 सेंटीमीटर है, बाद में 14 कर दिया गया है ना। तो अब की बार हम सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, तो वो क्या होता है थीटा बाय 360, क्योंकि अब की बार पूरा सर्कल नहीं देख रहा, वो सिर्फ एक छोटा पोर्शन देख रहा है, इसका चाप का क्षेत्रफल देख रहा है ना, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो ये बन गया थीटा बाय 360 कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, आर हमारे पास है 14 और छोटा आर है 7। वैल्यूज रख दी, थीटा की जगह 40, पाई की जगह 22/7, अगेन 14 में एक बार 7 घटा देंगे और एक बार ही जमा कर देंगे, तो जमा करके 21 मिल गया और घटा के 7, सारा कुछ सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा 154/3 cm². सेक्शन सी जिसमें 3 क्वेश्चन है, 4-4 नंबर के, तो ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, हम किसी भी साइड को उठा के अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, 10² क्या होता है साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, यानी कि उल्टा इसका। अब एलसीएम ले लेंगे, यहाँ साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, साइन 4 हो गया माइनस कॉस 4। अब आप क्या करोगे, साइन 4 को कैसे लिख लेंगे, साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। ऐसा करने से मैं क्या करूँगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगी, यानी कि एक बार इन दोनों टर्म्स को जमा कर लूँगी, एक बार ही घटा कर दूंगी, और जब जमा करूँगी तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। सारा क्वेश्चन आप मेंटली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको चीज़ें क्लियर हैं तो बेटा। ये खाली इसके बराबर बचा, क्योंकि ये चीज़ तो क्या हो गई, 1 हो गई। अब मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए साइन स्क्वायर थीटा के बटे में ये रखेंगे, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बटे में भी ये रख देंगे। जब इसके बटे में ये रखेंगे, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, आपके पास रह जाएगा 1/cos² और ऐसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा 1/sin² थीटा, विच इज़ इक्वल टू LHS। सिद्ध कीजिए √5 अपरिमेय, ये आप अपने आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एक पक्षी स्नानागार बनाया गया है जो कि एक खोखला बेलन है, लेकिन अंदर उसके एक अर्धगोला हेमिस्फेयर भी बनाया गया है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। तो क्योंकि ये बेलन की शेप है, खोखला है, तो एक तो इसका बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल आप लोगे, और साथ में जो ये अर्धगोला बन रहा है बेटा, इसका भी हम पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे। तो टोटल हो गया बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, फॉर्मूले रखेंगे 2πRH + 2πR²
एच इज 1.45 मीटर है और यहाँ सेंटीमीटर है, तो मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। इट इज़ 145 cm। यूनिट सेम होनी चाहिए इन सब क्वेश्चंस में। कैलकुलेशन अब आप अपने आप धीरे से ध्यान से समझ लेंगे और फिर रिवाइज करेंगे। सारा कुछ करके हमारे पास आ गया 33,000 cm स्क्वायर, जिसे हम मीटर स्क्वायर में भी बदल सकते हैं 10,000 से भाग करके। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, फिक्स है, और बाकी इस पर निर्भर करता है कि कितने दिन भोजन लिया है, यानी कि एक दिन लिया है तो एक है ना, उस दिन के हिसाब से उसका किराया लगेगा। तो हम क्या करेंगे, फिक्स भाग को हमने x मान लिया और जो डेली लगता है उसे हमने मान लिया कि y रुपए लगता है डेली। अब एक विद्यार्थी ए जो 22 दिन भोजन करता है वो 1380 रुपए देता है, यानी कि x तो उसे देना ही पड़ेगा, और 22 दिन दिया यानी कि 22 y दिया है ना, एक दिन में y दे रहा है, y रुपए दे रहा है, तो 22 दिन में 22 y दे देगा, और सारे मिला के उसने 1380 रुपए दिए। ऐसी दूसरी बार जो 28 दिन रह रहा है उसका बन जाएगा x जमा 28 y बराबर 1680। बस अब हमारा क्वेश्चन हमने अच्छे से समझ लिया, उसे मैथमेटिकली लिख लिया, सॉल्व करेंगे, x से x घटा के ही हमारा काम चल जाएगा। ये बना 22 घटा 28 घटा 6y और यहाँ पे घटा 300, घटा से घटा काट देंगे, y इज इक्वल टू 50 रुपीज़। y की वैल्यू रखेंगे किसी भी इक्वेशन में, x आपके पास आ जाएगा 280 रुपये, यानी कि फिक्स किराया 280 रुपये है और डेली का एक दिन का 50 रुपये है। इसी के साथ चॉइस में आए, अनिल ने टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए, यदि सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं और एक पर गलत पर 1 अंक काटा जाता है, तो हम मान लेते हैं कि सही उत्तर आंसर हमारे x है और गलत है y। अब अगर उसे सही पर 3 नंबर मिले तो 3x मिल गए और y उसके कट, एक नंबर के हिसाब से 1 गुणा वाई वाई मार्क्स कट गए, तो मिला के 40 बनते हैं उसके, है ना। और दूसरी बार 5 अगर मिलते यानी कि 5x हो जाते और 3 नंबर के हिसाब से कट जाते तो 3y घटाने पड़ते उसे, है ना, 5x घटा 3y बराबर मिला के 60 होते। अब ये दोनों इक्वेशन को अगेन आप देख रहे हैं, सिर्फ 3y यहाँ पे या 3 यहाँ से गुणा करके मुझे सेम कोफिशन मिल जाएगा। तो पहली इक्वेशन को हम 3 से गुणा करेंगे, अब दूसरी को दोबारा लिख लेते हैं, सेम साइन है ना, लेकिन हमें घटाना है, कैंसिल करना है तो घटाना पड़ेगा, साइन चेंज हो जाएंगे, 9x घटा 5x 4x ये कट गया और 120 में से 60 गए 60, x बराबर 15, x की वैल्यू रख देंगे, y बराबर 5, यानी कि सही आंसर उसने 15 दिए हैं और गलत उसके 5 है। नेक्स्ट पार्ट हमारा 5 नंबर के 2 क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज से सीधी सड़क पर विपरीत दिशाओं में 2 अनुक्रमिक यानी कि दोनों के बीच का 1 किलोमीटर का अंतर है, 2 अवनमन कोण दिख रहे हैं पत्थरों पर 60 डिग्री और 45 डिग्री, क्योंकि अवनमन है तो हमें यहाँ पे भी लाइन खींचनी पड़ेगी, है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री है, सबके नंबरिंग कर दिया आपने ए बी सी डी, है ना, और ये हाइट हमें निकालनी है जिसको हमने एच मान लिया। अब इस ट्रायंगल में ए सी डी में एच बाय सी डी आपके पास 1045 है, 1045 1 होता है, यानी कि एच बराबर सी डी है। अब बी और डी दोनों में अनुक्रमिक का क्या मतलब है, सिर्फ 1 किलोमीटर का अंतर है, है ना, तो यानी कि बी डी की दूरी कितनी है 1 किलोमीटर। अब हम दूसरा ट्रायंगल देख लेंगे, 1060 बराबर एच बटा बी सी, 1060 की वैल्यू रख देंगे, यहाँ तक हम कर चुके हैं, बी सी इंटू रूट 3 आ गया आपके पास एच, और जबकि एच ही हमारा सी टी पी है। अब बी डी प्लस सी डी
बीडी हमें पता है 1 किलोमीटर है, जो कि किसको मिला के बनता है, बीसी और सीडी को। सीडी की जगह भी हम √3 BC रख देंगे, बीसी कॉमन 1 + √3 = 1, बीसी की वैल्यू आ गई 1/1 + √3। अब बीसी को अगर मैं √3 से गुणा कर दूं तो मुझे सीडी मिल जाएगा जो कि एच के बराबर है। तो एच कितना हो गया, √3 × 1 + √3, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्य 53 है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 F2 बताइए। तो माध्य के लिए हम सबसे पहले x निकालते हैं, मध्य बिंदु 0 और 20 का 10, क्योंकि 20-20 का अंतर है तो अगले में भी 20-20 का अंतर ही आएगा। उसके बाद fx का कॉलम बनाना है आपको केयरफुली, 15 × 10 = 150, 30 × F1 = 30F1, इस तरीके से हमने इसको अलग से हाईलाइट कर लेना है, जिससे हम जब टोटल करें तो इनको टोटल ना कर लें नंबर के साथ। अब जब आप सिग्मा fx निकालेंगे तो आपको ये, ये और ये, इन तीनों को टोटल करना है और साथ में लिख देना है +30F1 + 70F2। ऐसे ही f का टोटल कर लेंगे, जिसमें हम ये और ये अलग से लिखेंगे, तो ये बन गया 53 + F1 + F2 = 100। तो 53 माइनस कर देंगे, F1 + F2 = 47। मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, मीन हमें 53 दे भी रखा है और बटे में हम सिग्मा एफ 100 लिख देंगे, ये 100 इसके साथ गुणा हो गया, है ना। अब क्या हटाएंगे, 2730 इसके साथ घटा कर देंगे, सॉल्व करके आ गया 2570 = 30F1 + 70F2। यहाँ तक कर लिया। अब आप देख रहे हैं 0 हम आराम से हटा सकते हैं पूरी लाइन में से, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे, तीन से गुणा कर देती हूँ पहली इक्वेशन को, है ना। अब माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो गया, 7 में से 3 किया 4 F2, और यहाँ पे 116 F2 बराबर 116/4 यानी कि 29। दोनों मिला के 47 होने चाहिए थे, तो F1 की वैल्यू कैसे आएगी, 47 - 29 = 18। चॉइस में हमें दिया गया बेटा, ये आपको टेबल दी गई है, बहुलक और माध्यक का अंतर बताइए। तो बहुलक भी निकालना है और माध्यक भी निकालना है बेटा। अब बहुलक निकालने के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें दिख रही है 40, है ना, तो यही हमारा मॉडल क्लास हो गई 30 से 40। इसकी फ्रीक्वेंसी F1, इससे ऊपर F0 और F2 इसके नीचे। सारी डिटेल्स लिख देंगे, ज़रूर लिखनी है आपको, फिर फॉर्मूला लगाएंगे आप, F1 - F0 2F1 - F0 - F2 × H। अब L कितना है आपका, 30 + 40 - 35 14 × 2 - 35 - 25, ये बना 5 × 10 ऊपर, और 80 में से आप यहाँ घटा देंगे 60, तो ये बन गया 50/20, 50 है ना, और ये 20, 0 से 0 कट गया, 5/2 मतलब 2.5, ये बन गया आपका 32.5। अब इसी में हम माध्यक निकालेंगे इसी क्वेश्चन में, जिसके लिए हमें CF निकालनी पड़ेगी, है ना। तो आपने लिखा 10, फिर 30, फिर 65, फिर 105, 130, 155 और 170, ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं। अब n हमारा है 170, n/2 आपने निकाल लिया 85 से बड़ा कौन सा है, 30 से 40, तो यही हमारी मीडियन क्लास बन गई। इसके अकॉर्डिंगली हम सारी डिटेल लिख देंगे, F इसका अपना और CF ऊपर वाली। थर्टी प्लस 85 - 65 × 10 और बटे में 40, ये बन गया 35। अब दोनों में डिफरेंस निकालना है,
दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर इज 2.5। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, माँ पिकनिक मना रही है और उसने 1 से 17 तक 17 कार्डों को एक बॉक्स में अच्छी तरह से मिला दिया। अब चार इसने बेटा यहाँ बच्चे दिखा रखे, तो पहले ड्रॉ में एक लड़के से विषम संख्या का कार्ड निकालने की प्रायिकता पूछी गई है। तो बेटा विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, टोटल हमारे पास 17 हो गया। इसमें से आप फेवरेबल आउटकम्स लिख लेंगे जरूर, विषम संख्या ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 अब इन्हें काउंट कर लेंगे, 9/17 हमारा प्रोबेबिलिटी हो गई। सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है कार्ड को वापस डाल दी, यानी कि 17 कार्ड हो गए फिर से। अभाज्य संख्या की प्रायिकता यानी कि प्राइम नंबर, अब की बार हम फेवरेबल आउटकम्स में प्राइम नंबर लिख लेंगे। याद रखना है कि एक हमारा ना प्राइम है ना कंपोजिट है, तो हमारा प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 2 से, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 यानी कि 7 हो गए फेवरेबल आउटकम, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 7/17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे ड्रॉ में लड़के को 2 नंबर का कार्ड मिला और कार्ड को उसने वापस नहीं डाला, तो इसका मतलब टोटल अब की बार उसके पास कितने रह गए, 16 कार्ड्स है ना। तो तीसरे लड़के द्वारा 5 से ज़्यादा होना चाहिए नंबर आपका, और 3 का गुणक यानी कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 के मल्टीपल हमारे पास कौन कौन से आएंगे, 6, 9, 12, 15 है ना, 5 से बड़े जो है। तो 4 नंबर हमारे फेवरेबल हैं, आंसर ही 4/16 यानी कि 1/4। चॉइस में हमारे पास बोलता है 17 से बड़ी संख्या का कार्ड, टोटल कार्ड को उसने वापस डाल दिया यानी कि फिर से 17 हो गए है ना। और 17 से बड़ी संख्या कोई मिलेगी आपको, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी है ना, नंबर ही 17 तक लिखे गए हैं, तो प्रोबेबिलिटी इज 0। दैट्स ऑल बेटा, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।